अगर श्रीलंका में अगर आप इंडिया का 1,000 रुपया लेके जाओगे तो वहाँ का 2,500 बनेगा, अगर आप 1,00,000 रुपया श्रीलंका में लेकर जाओगे तो वहाँ पर 2,50,000 रुपया श्रीलंकन बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस YouTube के चैनल में जिसका नाम है इजी एंट्री, जहां पर आपको इमिग्रेशन के रिलेटेड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, ताजो आप होने वाले फ्रॉड से बच सके, आप साथ फ्रॉड ना हो सके, ताजो आप सही तरीके से किसी भी कंट्री में एज ए टूरिस्ट, एज ए वर्कर या वर्क परमिट हासिल करके किसी भी कंट्री में घूमने जा सकें या एज ए काम करने जा सकें और वहाँ पर पैसा कमा सकें। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका के वीज़ा ऑन अराइवल, फ्री वीज़ा ऑन अराइवल ई वीज़ा के बारे में कि आप कैसे हासिल कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी श्रीलंका में जाना चाहते हैं और अपने ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं कि कल को आप किसी बड़े कंट्री का जो है टूरिस्ट वीज़ा हासिल कर सको, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका एक बहुत ही अच्छी कंट्री है, छोटा सा देश है, इंडिया के साउथ में पड़ता है, आपने देखा होगा और आप जानते होंगे श्रीलंका के बारे में। दोस्तों श्रीलंका की करेंसी जो है इंडिया से बहुत ही कमज़ोर है, यानी कि इंडियन 1 रुपया श्रीलंका के 2.5 रुपये के बराबर है। अगर श्रीलंका में अगर आप इंडिया का 1,000 रुपया लेके जाओगे तो वहाँ का 2,500 बनेगा, अगर आप 1,00,000 रुपया श्रीलंका में लेकर जाओगे तो वहाँ पर 2,50,000 रुपया श्रीलंकन बन जाएगा। तो उस हिसाब से करेंसी वहाँ की कमज़ोर है, बट ये जो है ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए बहुत ही अच्छी कंट्री है। कल को आपने किसी बड़ी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो ये छोटी छोटी कंट्रियाँ मिलकर जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट करती हैं और आपके वीज़े को स्ट्रॉन्ग करती हैं, ताजो कल आप किसी बड़ी अमेरिका, कनाडा वगैरह या ऑस्ट्रेलिया वगैरह कंट्री में अपना टूरिस्ट वीज़ा लगाएं तो आपका बड़ी आसानी से वीज़ा लग जाएगा, बिकॉज आपने ट्रैवल हिस्ट्री की हुई है, मतलब आपने छोटी छोटी कंट्रियाँ आपने आपके आसपास वो घूमी हुई हैं, तो उनको वहाँ से आपका एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि आप घूमने फिरने के शौकीन हैं, कल को आप किसी बड़ी कंट्री में जाओगे तो वहाँ को भी आपका आसानी से वीज़ा मिल जाएगा। तो श्रीलंका ने ई वीज़ा अनाउंस कर दिया है इंडिया और चाइना के लिए, ये दोनों देश पहले इसमें इंक्लूड नहीं थे, बाकी कंट्रियाँ बड़ी बड़ी कंट्रियाँ इंक्लूड थी इसमें, बट इंडिया और चाइना को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो अभी श्रीलंका ने जो है इंडिया और चाइना को भी शामिल कर लिया। यहाँ बात करते हैं इंडिया की, आपको अगर वीज़ा ऑन अराइवल लेना है तो 30 दिन की इसकी वैलिडिटी है, मतलब 30 दिन तक ई वीज़ा के साथ श्रीलंका में घूम सकते हो। और इसको हासिल करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट यहाँ पर ज़्यादा नहीं चाहिए, सिंपल आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, आपको पेमेंट करनी होगी, आपका वीज़ा मिल जाएगा। मतलब ये तीन ही चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ कि आप मेरे साइड आप देख सकते हो यहाँ पर मैं प्रोसेस चला रहा हूँ कि कैसे आप श्रीलंका का ई वीज़ा हासिल कर सकते हो। ई वीज़ा हासिल करने के लिए सबसे पहले कोई आपको कोई एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा, वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपको वहाँ पर अपने पासपोर्ट की डिटेल भरनी होगी, सारी डिजिटल फोटोस अपलोड करनी होगी, उसके बाद वो सारा प्रोसेस करने के बाद आपको पेमेंट करनी होगी, जितनी भी श्रीलंका की गवर्नमेंट ने पेमेंट मांगी है, वो पेमेंट करने के बाद आपका जो 1-2 घंटे के अंदर अंदर या उसे 24 आवर के अंदर अंदर आपका जो वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा, ई वीज़ा मिल जाएगा, वो ई वीज़ा आपकी ईमेल आईडी पे आएगा, उस ई वीज़े से आप श्रीलंका में अपना ट्रिप ले सकते हैं, मतलब एक अप डाउन की टिकट की 30 दिन के अंदर अंदर आप कहाँ कहाँ घूमना चाहते हो वो आपको लिखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको राउंड ट्रिप एक आपको टिकट बुक करनी पड़ेगी आने के जाने के। अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हो, आप 1 से 1 तारीख को जा रहे हो और 10 दिन को वापस आ रहे हो, तो आपकी अप एंड डाउन के टिकट प्रूफ के तौर पर चाहिए होगी, ये प्रूफ चाहिए होगी, और आपका फ़ंड आपके पास चाहिए होंगे कि अगर आप श्रीलंका में जितने दिन के लिए रहना चाहते हो वहाँ का उतने दिन का होटल का खर्चा और वहाँ आप जितना घूमना है, मतलब तकरीबन 25-30 कम से कम आपके पास जो है 20-25 हज़ार रुपया होना चाहिए अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हो, इतने में आप श्रीलंका का टूर लगा लोगे 10 दिन का। दोस्तों सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो है आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, जितनी भी श्रीलंका की गवर्नमेंट ने पेमेंट मांगी वो पेमेंट करने के बाद तकरीबन 24 घंटे का मैक्सिमम टाइम है, 2-3 घंटे के अंदर अंदर आपको आपकी ईमेल आईडी पे जो है श्रीलंका का ई वीज़ा मिल जाएगा, उस ई वीज़े के साथ आप जो है तकरीबन 30 दिन तक श्रीलंका में ट्रैवल कर सको। तो इस तरीके से आप जो है श्रीलंका में ट्रैवल कर सकते हो और ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करवा दो, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इमिग्रेशन के रिलेटेड जनरल इन्फॉर्मेशन चैनल पर हम देते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।